नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नई जॉब और वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एवियानिक्स डिवीज़न कोरबा अमेठी उत्तर प्रदेश की तरफ से डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ और भी ब्रांच के लिए जो है अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी आई हुई है। ये कंपनी जो है भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। अगर आपका अभी कहीं परमानेंट सेटलमेंट नहीं हुआ है तो आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा मौका है कि भारत की एक बड़ी कंपनी में आपको काम करने का मौका मिलेगा एज ए अप्रेंटिसशिप। इससे होता क्या है, एक तो आप काम सीख जाओगे और दूसरी बात ये होती है कि जब आप वहाँ पर काम करोगे तो आपके नए नए कनेक्शंस बन जाएंगे जो आपको और आगे लेकर जाएंगे। तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और इसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ कर रहिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये इनकी तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोरबा अमेठी उत्तर प्रदेश, आपका जो नोटिफिकेशन है 6 जुलाई को जारी किया गया है। एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव पास्ड टेक्निकल डिप्लोमा। यहाँ पर जो है एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं जो भी यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं टेक्निकल डिप्लोमा से संबंधित। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस किस ब्रांच के लिए जो है अप्रेंटिसशिप आई हुई है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, सिविल के लिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। और आपसे जो है एसेंशियल टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन दी गई ब्रांचों में से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो यहाँ पर आपसे जो है मैक्सिमम एज लिमिट बताई गई है 26 साल। हालांकि यहाँ पर जो है आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। जो भी SC ST के कैंडिडेट हैं उन्हें 5 साल का, और जो जनरल कैंडिडेट हैं उन्हें 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए ये पोर्टल है पर रजिस्ट्रेशन करें तथा प्रार्थना पत्र में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें। जो भी एक्सेल फाइल होगी वो आपको जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक भरनी है, उसमें कोई भी त्रुटि वगैरह नहीं होनी चाहिए। एक्सेल फाइल का जो नाम है वो MHRDNEXT.GOV.IN के प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर से होना चाहिए। ईमेल के विषय में इससे प्राप्त केवल रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए। और जो भी आपकी एक्सेल फाइल होगी उसके साथ आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो संलग्न करके यानी अटैच करके ये वाली एक ईमेल दी गई है, आपको इस पर भेजने हैं। आपकी लास्ट डेट रखी गई है। ईमेल के माध्यम से आपके जो भी आवेदन पत्र हैं उन्हें भेजने की सीमा जो है वो 21 जुलाई 2022 है। अगर आप इसके बाद कोई ईमेल भेजते हैं तो वो स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 12 पर बताया गया है, अगर आपके पास 1 साल से कम का वर्क एक्सपीरियंस है तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका मेरिट के आधार पर होने वाला है। जनरल इंस्ट्रक्शन में आपसे बताया है कि आपका जो फाइनल सूची जो तैयार होगी वहाँ से वो जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको देखने को मिलेगी। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन भी होना है और आपको जो है करेक्टर सर्टिफिकेट भी यहाँ पर जमा करना होगा। ये SP ऑफिस से बनता है। यहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेट दे रखी हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, वो आपको ईमेल के माध्यम से ही करना है, 21 जुलाई से पहले पहले। और जो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो आपका आएगा 20 अगस्त 2022 तक। तो यहाँ पर आप लोगों के पास अच्छा मौका है। अगर आप हेल में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।